गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू टॉपिक है जो कि है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या क्या बेसिक फैक्टर्स चाहिए, सिक्वेंशियल इवेंट्स क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये सब को देखने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है और हम लोग बोलेंगे जो फीमेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ करता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन को देखेंगे तो ये इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए होने के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कुछ फैक्टर्स चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फैक्टर्स। अगर ये बेसिक फैक्टर्स अगर एब्सेंट होगा तो कभी भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, और ये भी हम लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, वो फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम लोग बोलेंगे स्टेप्स में होता है, बहुत सारा स्टेप्स चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो इस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सिक्वेंशियल इवेंट्स। ठीक है, ये हो गया क्या चीज, सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यही देखो, हम लोग यहाँ पर यही लिखें कि फर्टिलाइजेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है ना, और हम लोग बोलते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिंपल इवेंट नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे बेसिक फैक्टर्स चाहिए और हम लोग बोलेंगे ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा स्टेप्स होना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स। तो ये सिक्वेंशियल इवेंट्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे बाद में, पहले ये देख लेते हैं कि ये बेसिक फैक्टर्स क्या होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि द बेसिक फैक्टर्स फॉर फर्टिलाइजेशन आर, फर्स्ट देखो क्या फैक्टर होना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स ए फ्लूइड मीडियम। मतलब हो गया कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहला चीज कि फ्लूइड मीडियम होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है ये फ्लूइड मीडियम क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो फ्लूइड मीडियम है वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये फ्लूइड मीडियम क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है। ये फ्लूइड मीडियम क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे मेराइन वाटर हो सकता है। ये फ्लूइड मीडियम क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे हमारा बॉडी फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, फ्लूइड का होना पड़ेगा, मतलब फ्लूइड मीडियम चाहिए। ये फ्लूइड मीडियम या फ्रेश वाटर हो सकता है, मेरीन वाटर हो सकता है, या बॉडी फ्लूइड हो सकता है। अगर फ्लूइड मीडियम नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला बेसिक फैक्टर फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो बेसिक फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो बेसिक फैक्टर देखो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ मस्ट बी मच मोर देन द नंबर ऑफ क्या चीज, ओवा। इसका मतलब हो गया कि मेल गैमेट्स का जो नंबर होना पड़ेगा ना, वो क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेट। तो क्यों ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि इसका नंबर इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जब हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स बनता है या फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का, तो हम लोग जानते हैं मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्पर्म। ठीक है, और ये स्पर्म में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेड होता है, नेक होता है, और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेल होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल मेल गैमेट या स्पर्म। लेकिन ये जो मेल गैमेट्स जब प्रोड्यूस होता है तो हम लोग बोलेंगे बहुत सारा एबनॉर्मल मेल गैमेट्स भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो एबनॉर्मल मेल गैमेट्स में क्या होगा, दो टेल हो सकता है। एबनॉर्मल मेल गैमेट्स में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी टेल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब दो टेल होगा या फिर हम लोग बोलेंगे मोर देन टू टेल होगा, या सॉरी मोर देन वन टेल होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। ये कभी भी फर्टिलाइजेशन में मतलब हेल्प नहीं करेगा। और अगर हम लोग बोलेंगे कोई भी टेल नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया। ये भी कभी फर्टिलाइजेशन में क्या नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेल गैमेट्स का नंबर क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि जब मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन भी आता है, एजोस्पर्मिया कंडीशन भी आता है। इसीलिए क्या होना पड़ेगा, जो मेल गैमेट्स होता है या स्पर्मेटोजोआ होता है उसका नंबर ज़्यादा होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू क्या चीज, ओवा। और दूसरे वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मेल गैमेट्स का नंबर इसीलिए ज़्यादा होना पड़ेगा क्योंकि ये चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इसीलिए तीसरा जो बेसिक फैक्टर जो चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड जो बेसिक फैक्टर होता है कि जो भी मतलब मेल गैमेट्स होगा,
ठीक है, जो भी हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स होगा, इस मेल गैमेट्स को हम लोग बोलेंगे कि जो ओवा होगा उसके चारों तरफ या फिर हम लोग बोलेंगे उसके सामने डिपॉजिट होना पड़ेगा। तो ये हो गया तीसरा बेसिक फैक्टर। अगर डिपॉजिट इसके सामने नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, थ्री बेसिक फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होना पड़ेगा। अगर ये तीन बेसिक फैक्टर में से कोई भी एक भी बेसिक फैक्टर अगर एबसेंट है तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक फैक्टर्स फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है ये फर्टिलाइजेशन कितना टाइप का होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आप लोगों ने भी ये पढ़ा होगा। दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यही हो गया। तो याद रखना जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं इकाइनोडर्म्स या फिर हम लोग बोलेंगे सी अर्चिन के केस में, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हम लोग स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं किसके केस में, मैमल्स के केस में, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, चाहे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स में देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये जो बेसिक फैक्टर्स है ना ये होगा ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ना तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, ये बेसिक फैक्टर्स होना पड़ेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ स्टेप्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगा उसके लिए भी हम लोग बोलेंगे बेसिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ स्टेप्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स। मतलब दोनों के लिए क्या होना पड़ेगा, सिक्वेंशियल इवेंट्स होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो उसके लिए क्या क्या सिक्वेंशियल इवेंट्स होता है, तो अगर हम लोग देखेंगे उसके लिए क्या क्या सिक्वेंशियल इवेंट्स होता है, तो यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए, मतलब सी अर्चिन में जो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होता है वो कितना होना, सिक्वेंशियल इवेंट होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 5 सिक्वेंशियल इवेंट्स होना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सिक्वेंशियल इवेंट है वो क्या चीज़ है, सबसे फर्स्ट सिक्वेंशियल इवेंट है सिक्रीशन ऑफ कीमोटैक्सिस और कीमो अट्रैक्शन बाय द एग टू अट्रैक्ट द स्पर्म। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे डिटेल में वन बाय वन। दूसरा जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है वो क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम। ये भी क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। तीसरा जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है ये क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं विटेलिन एनवेलप ऑफ द एग। ये भी क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद चौथा जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है वो क्या होता है, पासिंग ऑफ स्पर्म्स थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और पांचवा जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होता है वो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो बोलने का मतलब ये है कि सी अर्चिन के केस में मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में कितना सिक्वेंशियल इवेंट्स होगा, हम लोग बोलेंगे 5 सिक्वेंशियल इवेंट्स होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये क्या होता है सिक्वेंशियल इवेंट्स ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन डिटेल में। और अगर हम लोग बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके लिए भी क्या होगा, सिक्वेंशियल इवेंट्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना सिक्वेंशियल इवेंट्स होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसके लिए भी कितना सिक्वेंशियल इवेंट्स होगा, हम लोग बोलेंगे 5 सिक्वेंशियल इवेंट्स होगा। किसके लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस सिक्वेंशियल इवेंट्स को कैसे करके हम लोग पता करेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग ये देख रहे हैं सी अर्चिन के केस में, सी अर्चिन यही हो गया, या फिर हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में जो सिक्वेंशियल इवेंट है वो क्या चीज है, इसको ऐसे लिख रहा हूं 1, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, उसके बाद क्या हो गया 4, उसके बाद क्या हो गया 5, यही सिक्वेंशियल इवेंट्स है सी अर्चिन के केस में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे मैमल्स के केस में, अगर हम लोग देखेंगे तो जिसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी से क्या निकाल सकते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखो मैमल्स के केस में क्या होता है ना, ये फर्स्ट इवेंट तो मैमल के केस में होगा, ठीक है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट, जो कि सी अर्चिन में होता है वो मैमल्स में भी होगा, ठीक है, पहला स्टेप।
सेकेंड स्टेप में ध्यान से देखो, सी अर्चिन में क्या हो रहा था, एक्सोसाइटोसिस हो रहा था ना ऑफ एक्सोसोमल रिसाइकल टू रिलीज इट्स एंजाइम। लेकिन हम लोग बोलेंगे मैमल्स के केस में ये जो थर्ड स्टेप होता है ना, किसका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, वही मैमल्स के केस में क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ये वाला, ये क्या हो जाएगा, जो थर्ड स्टेप है वो क्या हो जाएगा मैमल्स के केस में, सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जो सेकेंड स्टेप है क्या चीज का, क्या चीज का, सी अर्चिन का, वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे थर्ड स्टेप होगा, किसके केस में, मैमल्स के केस में। बाकी हम लोग बोलेंगे ये स्टेप सेम रहेगा और ये भी स्टेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या चीज हो गया, सिक्वेंशियल इवेंट्स इन केस ऑफ मैमल्स। इसको फिर से देख लेते हैं, देखो क्या चीज है, सी अर्चिन के केस में सिक्वेंशियल इवेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सिक्वेंशियल इवेंट्स है सी अर्चिन के केस में। लेकिन मैमल्स के केस में हम लोग इससे ही सिक्वेंशियल इवेंट्स निकाल सकते हैं, कैसे, तो मैमल्स के केस में पहला क्या होगा, सेम होगा, दूसरा में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिक्वेंशियल इवेंट में क्या होगा, ये थर्ड जो है वो क्या होगा, मैमल्स के केस में सेकंड में होगा, ठीक है। और सेकंड वाला जो होगा वो मैमल्स के केस में क्या होगा, थर्ड में होगा, और फोर्थ सेम रहेगा, फिफ्थ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या चीज हो गया, सिक्वेंशियल इवेंट्स इन केस ऑफ मैमल्स, और ये क्या हो गया, सिक्वेंशियल इवेंट्स इन केस ऑफ सी अर्चिन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वाला इसको देखो कैसे समझ सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होता है किसके, किस केस में, हम लोग बोलेंगे मैमल्स के केस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में, उसको हम लोग इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनकाउंटर ऑफ, फर्स्ट जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स। ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स, ये क्या हो सकता है, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। थर्ड जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोमल पेनिट्रेशन। फोर्थ जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम एक्टिवेशन। और फिफ्थ जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस, ठीक है। ये दूसरे वर्ड्स में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ मैमल्स के केस में क्या होता है, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स, कैपेसिटेशन इन कॉन्टैक्ट, एक्रोसोमल पेनिट्रेशन, ओवम एक्टिवेशन, और लास्ट में क्या होगा, एम्फीमिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये चीज, तो ये हो गया क्या चीज, सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ सिक्वेंशियल इवेंट्स इन मैमल्स, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन के केस में कैसे करके होता है। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, सिक्रीशन ऑफ कीमोटैक्सिस और कीमो अट्रैक्शन बाय द एग टू अट्रैक्ट द स्पर्म, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी।